What is up guys, welcome back to Totally Accurate Battle Simulator. तो ख्याल लास्ट टाइम मैं अपना वहीं पे था, मैंने थोड़ी सी यूनिट आजमाई थी लास्ट टाइम, पर अब डिफरेंट रहेगा. अब मैंने एक चीज और नोटिस करी, अब एक सैंडबॉक्स ही भरी है. वो कैसे, अब ये देख लो यार खुद. तो खैर मैं आ चुका हूँ वही आइस लेवल पर अब की बार लेफ्ट में हमारा मेन हीरो रहेगा और राइट में हमारे एंटेगनिस्ट रहेंगे, या फिर मैं कहूँ विलन. तो इसलिए मैं वापस यूनिट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ. ठीक है, मैंने लगा चुका हूँ अब यूनिट. और लेफ्ट में कौन है, ब्लैक बियर्ड जैसे कि बता रखा था. और राइट में अब की बार एक फैक्शन का दो मेहमत लगे, जो कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है जो हराने में डिफिकल्टी पड़ती. अब स्टार्ट करा जाएगा यार, देखते क्या हाल है. रुको एक मिनट, कैमरा मैन मिस हो रहा, वो लगा लेता हूँ मैं. बस अब सही है, ये मैं रहूँगा जोकर. ठीक है, अब इन लोगों का कमाल दिखूंगा. अबे ये क्या हो गया. अच्छा रुको, ये आसमान से भाई ये कड़काता था. हाँ ये कड़का दिया. अच्छा अब समझ में आया, इसके लिए और यूनिट बढ़ानी पड़ेगी. तो इसलिए मैं और यूनिट बढ़ाता हूँ. ठीक है, शायद अब सही रहेगा. अब ये दूसरा राउंड है, देखते हैं ये फिनिश हो पाएगा या नहीं. ओ भाई साहब, एक हिट में भाई एक ही गया है. ओ भाई साहब क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझे देखना नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे. शिट यार, ओ यहाँ पे पूरी लड़ाई चल रही है यार, कैमरा मैन खुद उतना व्यस्त हो रहा है यार. अबे क्यों मत गिरियो मेरे भाई प्लीज. हम जीत गए रेड विक्ट्री इतनी आसानी से. और अभी भी स्टिल लाइव यार, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट यूनिट पे स्टिल अप करता हूँ, या फिर नेक्स्ट यूनिट पे अटैक बोलता हूँ. नेक्स्ट यूनिट कौन सी है, नेक्स्ट यूनिट है स्केयरक्रो. ये एक दूसरे फैक्शन की एक साथ खड़े यार इनके कहो. तो देखो वो तो नाचने में लगा बड़ा अपना, आराम से पार्टी करने में. तो इसलिए अभी टोटल 25 है, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं. अब देखते क्या हाल है यहाँ पे. अब क्या कैमरा मैन अपनी जगह पर लग चुका, सबसे पीछे रहेगा कैमरा मैन. ओ भाई साहब इतने सारे कौए, कैमरा मैन कौन तुम्हारा यार. कैसी आवाज आती आ रही है. खैर कैमरा मैन खुद डेड हो गया, तो इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इन लोगों को थोड़े से लो यूनिट पर सेट कर रहा है, क्योंकि इन लोगों पे वैसे भी कुछ ज्यादा कौ आ गए. इसलिए ठीक है, अब टोटली फेयर है यार, वैसे भी टोटली एक्यूरेट बैटल सिमुलेटर कहलाता है यार ये. टोटली फेयर है यार ये, देखो तो ए नट सही में. हद यार, वाह मैं फिर भी पीटा गया. हद यार, चलो छोड़ो यार, इन लोगों को गोली मारो यार. वैसे मैंने सही में गोली मार दी. नेक्स्ट यूनिट प्लीज, अब देखते हैं अब कौन आएगा. अब है टोटल 15 किंग यार. अब ये लोग महाराजा किंग बोलो या फिर कहते हैं बर्गर किंग. तो इसलिए मैं डायरेक्ट फाइटिंग पे स्टार्ट कर रहा हूं. इससे पहले बर्गर फेंक के मारे मेरे. ठीक है, बस अब सही है. अब देखते हैं आप क्या हाल है. मीटियोराइट आ गए वापस, सही है. ओ भाई साहब, अबे तू क्यों मेरी तरफ आ रहा, हट यहाँ से. रुको, अभी भी वहीं पर लड़ाई चालू हो रही यार. मुझे तो छोड़ो यार, मुझे माफ़ करो, मैं लड़ाई के लिए नहीं आया था. रखो ऑलरेडी कहते हैं यूनिट डिफीट हो चुकी है और मैं भी डिफीट हो गया. तो इसलिए रीस्टार्ट प्लीज, पर अब की बार यूनिट बढ़ाई जाएगी, वो भी किस पे, यहाँ पे. अब टोटली फेयर है यार ये, देखो तो टोटल सबके सब वहाँ पे 5 है और एक हम 4 है टोटल. रुको मुझे डिस्काउंट करके, मैं हूँ रुको मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्या हो गया यार ये. रुको अच्छा मैं ऐसे क्यों इस्तेमाल करूँगा, मैं तो उधर से इस्तेमाल कर रहा था भाई. मेरे तू इधर आओ, अब यहाँ पे तमाशा देखूंगा मैं तो. बस हमारी यूनिट जीत रही, यही तो चाह रहा था मैं. ए देखो तो जीत गया यार. अब नेक्स्ट यूनिट कौन सी आएगी वो देखी जाएगी. अब है टोटल 10 जूस. अब ये लोग बिजली के झटके फेंक के मारेंगे, इसकी हाइट इतनी छोटी की रह गई. इसने कॉम्प्लेन नहीं पिया, ऐसा कोई कॉम्प्लेन पिलाओ यार. ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा है, इसे हटा रहा, मैं एक को सिमुलेट करूंगा. ठीक है, बस अब सी रहेगा. इस पर कोई सा स्पेशल है, इसलिए मैं स्पेशल दूर से इस्तेमाल करता रहूंगा बार बार. हाँ यही तो चाह रहा था यार मैं. ओ भाई साहब बिजली पड़ रही बहुत बुरी वाली. हाँ ये लोग तो ऐसे गए यार. ओ भाई साहब सबके साथ लड़ो, एंकर फेंक के मारो अपने हाथों से. ओ भाई साहब मेरे क्यों हेट दे रहा. ए देखो तो यार हम जीत गए. ओ भाई साहब धमाका फोड़ दिया हम ही जीत गए यार, बहुत ही आसान से. नेक्स्ट यूनिट प्लीज, अब देखते कौन सी आती. अब की बार कौन है, अब की बार है चारल. ये लोग क्या कहते हैं बर्फ, मतलब वही वाइकिंग्स की टीम है यार, मैं क्या कहूँगा इसे भी. तो इसलिए अब स्टार्ट कर जाए स्टार्ट. बस सेलेब्रेट करा, अभी अपने पटाखे छोड़ गए आसमान से. बस है ये तो कैसा आसमान मोड़ रहा है यार. रुको मैं स्पेक्टेट करने में सही हूँ. ओ भाई साहब क्या उड़ाया यार, एक और दिमाग का हुआ भाई. सबके सब लड़ो, मेरे हिसाब से जाल नहीं जीत रहा बिल्कुल भी. शिट यार एक यूनिट डाउन हो गई. शिट यार देखो तक चरगी इतना घूम रहा है यार वो बंदा. ब्लू विक्ट्री. हद यार, क्यों कहते हैं इन लोगों के पास ये स्पेशल एबिलिटी क्लोज रेंज के लिए. इसलिए रीस्टार्ट प्लीज, अब फेयर फेयर होगा. अब और कोई सा डिस्टेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी. अब देखते हैं अब क्या हाल है. एक ऑलरेडी डाउन हो गया. ओ भाई साहब ये कूदते भी तो ऐसे एकदम बिल्कुल एकदम धमाका छोड़ते हुए.
देखते अब कौन जीतेगा। इन लोगों ने अब तक वही बर्फ वाली कहते चट्टाने इकट्ठा कर ली। देखो हम जीत गए यार, फाइनली यार हम जीत गए यार। नेक्स्ट मिनट प्लीज, अब देखते कौन आएगा। ठीक है, अब की बार कौन है? अब की बार है मंकी किंग। ये लोग है, ये कहते हैं डबल ट्रिपलेट में बदल लेंगे एक ही अटैक से, तो इसलिए तीन इनफ रहेंगे इन लोगों के लिए, तीन इनफ रहेंगे इन लोगों के लिए। इसलिए डायरेक्ट स्टार्ट यार, मैं कहीं और देखता रहूँगा यहाँ पे बीच में एकदम, देखते हैं आप क्या हाल है। ऑलरेडी 300-400 डाउन ही हो गए। हाँ ये लोग कहते हैं मल्टीपल हो गए यार। फिर भी धमाका पड़ रहा है इन लोगों पे, इससे क्या होगा भाई। ये अभी भी स्टिल लाइव यार। वो गया भाई, अब वो गया भाई, वो गायब हो गया, वो गया भाई। सब पता था यहाँ पे, तभी तो कोई है नहीं, वो गया भाई। कहा गया पता नहीं यार, किसी को भी नहीं पता। तो फिर इसलिए नेक्स्ट राउंड प्लीज, अब देखते कौन सा आएगा। अब की बार है टोटल तीन द विंसी टैंक। अब देखते ये लोग अपना कमाल क्या दिखाएंगे। वैसे भी कहते हैं एक टैंक के अंदर एक अंकल बैठे हैं, देखो तो कहा यार ये रहे, ये देख रहे हो ये अंकल, ये कमाल दिखाएंगे अब अपना। इसलिए मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ मैच देखने के लिए, बस अब सही है। एक ऑलरेडी शिप डिस्ट्रॉय कर दी इन लोगों ने तो। अब यार अब बारिश चालू हो गई इन लोगों की। ये तो ऑलरेडी फूट गए यार। नेक्स्ट मिनट प्लीज, अब देखते कौन आएगा। अब की बार है पायरेट क्वीन। अब की बार ये कहते हैं आप पायरेट वाली यूनिट में से, मतलब सेम कैटेगरी है। इसका मतलब ये लोग टोटल 10 है, अब यहाँ पे कितने हैं टोटल 3। अब ये बराबरी का मैच तो नहीं है खैर, पर फिर भी दिखा जाए यहाँ पे क्या हाल है। शिट यार अभी भी एक भी यूनिट नहीं उड़ी इनमें से। ये यूनिट हार्ड है मेरे हिसाब से, ये यूनिट कहते हैं पार करनी हार्ड है इन लोगों के लिए, देखो तो। ऑलरेडी गए। शिट यार, हाँ शिट यार, ये लोग हार्ड पड़ गए थोड़े से, इसलिए थोड़े से यूनिट कम कर जाए। अब रीस्टार्ट प्लीज। अब है टोटल फेयर गेम, देखो तो। अब देखते कौन जीतेगा। 3-3। ओ भाई साहब, उसके ऊपर बॉम्ब छोड़ रख के भाई, कुछ तो कब कौन जीता। रेड विक्ट्री, मुझे पता था यार ये लोग क्या कहते हैं, इन लोगों के बराबर नहीं थे, मतलब थोड़े से माइनस कॉस करके, पर फिर भी ये लोग जीत गए यार आराम से। तो इसलिए नेक्स्ट मिनट प्लीज, अब देखते कौन आएगा। अब की बार है टोटल 5 रीपर। ये कहते हैं ग्रीम रीपर अपना साइट लेंगे और कहते बहुत जोर से मारेंगे। अजीब से ऑक्टोपस वाले हैंड है, ये कहते हैं एक यूनिट को भी जो भी सामना आता उसे कहते ग्रैब करके अपने थोड़ा सा इंस्टेंटली किल कर देते हैं। इसलिए अब ये बराबर की शायद लड़ाई हो सकती है, पता नहीं, देखते अब कौन जीतेगा। ऑलरेडी एक दो टपक गए भाई, अब तो टोटल 3 ही बचे। ओ भाई साहब साइड चला दिया, ये तीनों फिर भी स्टिल लाइफ से यार, बहुत इजी लेवल था इन लोगों के लिए। पर फिर भी अब नेक्स्ट मिनट देखते हैं अब कौन सी है। नेक्स्ट राउंड प्लीज, अब की बार है क्विक ड्रॉ। ये तो बच्चा आ गया यार, यहाँ पे तो बच्चे को आना भी नहीं था। अब ये बंदूक चलाएंगे, पिस्तौल चलाएंगे, इसलिए मैं एक काम कर रहा स्पेक्टेट ही करूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हाल है। इनमें से आधे साल लोग तो ऐसे गए भाई। ओ भाई साहब गोलियां पड़ रही, इनमें से अभी भी कोई भी एक नॉकआउट नहीं हुआ। पलिंग भाई ये तीनों के तीनों अभी भी लाइव है यार, ये सही है। नेक्स्ट टाइम प्लीज, अब देखते कौन आएगा। अब की बार है वॉइड मोनार्क। ये इन लोगों का मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करा, पर अब देखा जाएगा ये लोग कैसे है। और यहाँ पे हम पे वही तीन सेम यूनिट है, इसलिए आप देखते क्या हाल है यहाँ पे। अब होगा मैच, शायद ये बराबरी का नहीं है क्योंकि इन लोगों के कॉज सब ज़्यादा थे। ठीक है, ओ वहाँ पे लड़ाई चल रही यार पहले से ही। ओ भाई साहब ब्लू विक्ट्री भाई साहब, ये तो यार वॉइड मोनार्क है। रुको फेयर इज फेयर करूँगा, टोटल 3-3। अब फेयर इज फेयर है यार, कोई एक्शन नहीं, एकदम फेयर 3-3। शिट यार ये लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो गए, एक हार गया ऑलरेडी। ओ भाई साहब इसके पंख निकल गया गए। रेड विक्ट्री बहुत इजी से यार इन लोगों के लिए, फेयर फेयर में था क्योंकि कहते यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट थी। इसलिए नेक्स्ट यूनिट प्लीज, अब देखते कौन है। अब की बार है क्रोनोमेंसर। ये लोग कहते हैं टाइम के रखवाले, या फिर मैं कहूँ ये टाइम फेंक के मारेंगे टाइम को बचाने के लिए। इसलिए स्टार्ट यार, अब देखते हैं क्या हाल है। ऑलरेडी चटनी बन गई इन लोगों की। अब यार ये लोग कुछ नहीं कर पाने के, हाँ ये लोग कुछ नहीं कर,
ओ भाई साहब, वो पहले से कहते चिपड़ गया भाई। ये यहाँ पे तो टोटल 3 यूनिट थी, इतनी लिंक पर मुझे तो सिर्फ 2 दिख रही। हाँ पता चला, अब दोनों के दोनों बटरफ्लाई हो गए। ओ एक ऑलरेडी लूज हो गया, और यहाँ पे अब सिर्फ 1 vs 1 है। अब देखते कौन जीतेगा। ओ हो भाई सब, क्या पढ़ा यार, क्या मीठी और पढ़ा इसके मुंह पे। तो खैर फिलहाल के लिए यहीं पे था, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तीनों बंदे। अभी मैं फिलहाल के यहाँ से जा रहा हूँ, तो फिर टाटा बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तीनों बनते, इसलिए कर दो यार, बस और कुछ नहीं करता।